हाउ टू मेक सेंटेंसेस विद द वर्ड एनीथिंग, कुछ भी या कुछ, इस शब्द से किस प्रकार वाक्य बनाए जा सकते हैं, आज ये मैं आपको एक 5 से 10 मिनट में बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको ये बता दूंगा। और वादा है कि 5 से 10 मिनट बाद आप इंग्लिश बोलना तुरंत सीख जाओगे इन शब्दों को लेके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक छोटी सी दो रिक्वेस्ट है खाली। सबसे पहली रिक्वेस्ट ये है कि आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करिए बीच में, ठीक है। और दूसरा एक रिक्वेस्ट ऐसी है कि आप जब ये वीडियो देख रहे हो तब एक नोटबुक और एक पेन पेंसिल आपके बाजू में रखिए, ताकि जो छोटे छोटे पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो आप नोट डाउन करिए, ताकि वो आपको बाद में कभी भी आप जब आपको देखना है तो आप वापस उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए, मान लीजिए दो व्यक्ति बात कर रहे हो और वो बोल रहे हैं कि मैं नौकरी पाने के लिए कुछ भी करूंगा, मैं नौकरी पाने के लिए कुछ भी करूंगा। अगर ऐसा बोलना है तो आप इंग्लिश में बोलोगे I will do anything to get the job। अभी देखिए दोस्तों, अगर आपको बोलना है मैं उसे पाने के लिए कुछ भी करूंगा, मैं उसे पाने के लिए कुछ भी करूंगा, यही सेंटेंस इंग्लिश में आएगा I will do anything to get her। अभी तीसरा सेंटेंस देखते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। देखो ये सेंटेंस वही है जो हम हमेशा यूज करते हैं, वही सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिए इस वीडियो में, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसा बोलना है तो आप बोलोगे We can't do anything। नेक्स्ट सेंटेंस प्लीज देखिए, क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है, क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है। अगर ये बोलना है तो आप बोलोगे What happened? Is anything wrong? अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, क्या आपको कुछ मिला, क्या आपको कुछ मिला, Did you find anything? अभी नेक्स्ट सेंटेंस है, उस समय कुछ भी हो सकता है। At that point, anything could happen। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या उस डिब्बे में कुछ है? Is there anything in that box? अब ये लास्ट वाला सेंटेंस देख रहे हैं दोस्तों, इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। No one knows anything about it। अभी आपको क्या करना है दोस्तों, आप ये वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए और आपको मेरे पीछे आप रिपीट कर लेना। आप खुद को आईने के सामने रखिए और आप ये सेंटेंसेस वापस रिपीट करिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।